गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो तो धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं इतने बड़े कैनवेस पर टाइगर की पेंटिंग करने वाला हूँ। तो फिलहाल टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो टाइगर की आउटलाइंस हैं वो मैंने बना ली हैं। फिलहाल जो अभी है हम इसका बैकग्राउंड पेंट करते हैं, उसके बाद हम माउंटेन्स, उसके बाद रॉक, उसके बाद टाइगर, उसके बाद ग्रास, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले बैकग्राउंड पेंट करेंगे। तो बैकग्राउंड पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं पेंटिंग बनाने के लिए डॉम्स के ऑयल कलर यूज़ करूँगा। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए ऑब्वियसली ब्लू ही यूज होता है, तो मैंने कोबाल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू लिया है। फिलहाल बैकग्राउंड बनाना शुरू करते हैं। इस फिलहाल यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश नंबर 12 यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं कोबाल्ट ब्लू को यूज़ करूँगा। तो गाइस मैं तो जितना कलर चाहिए होता है ना पहले उसको पैलेट में निकाल लेता हूँ। फिलहाल अब जो है हम अपनी पेंटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं स्काई, फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें स्काई पेंट करना है। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हो इस तरह से मैं स्काई पेंट कर रहा हूँ। स्काई पेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। गाइस फिलहाल आप देख सकते हो जो मैंने बैकग्राउंड है एरिया है वो एकदम ब्लू कलर से अच्छे से बना लिया है। अब जो है हम जिस रॉक पर टाइगर बैठा है उसे बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगा। तो रॉक बनाने के लिए मैं ग्रे कलर यूज़ करूँगा, और ग्रे कलर बनाने के लिए हम करेंगे कलर मिक्सिंग। तो यहाँ पर मैं वाइट और ब्लैक कलर को मिक्स करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कलर। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने रॉक वाला कलर है ग्रे कलर वो मिक्स किया था मैंने वाइट और ब्लैक, और वो कलर यहाँ पर मैंने कर दिया है। फिलहाल अब जो है इसकी डिटेलिंग चालू है। और गाइस इन कलर की एक और बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथली से ना ब्लेंड हो जाते हैं। इन कलरों की ऐसी इसी बात की वजह से मैंने इन्हें खरीदा था, ये बहुत स्मूथली ब्लेंड होते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
गाइस डिटेलिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो गाइस थोड़ी सी डिटेलिंग के बाद रॉक कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिलहाल आप देख सकते हैं, अब जो है हम ग्रास बनाते हैं। तो ग्रास बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सभी ग्रास स्टोन जो है निकाल लिए हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मेरे पास 3 पैलेट नाइफ हैं, तो मैं उन्हीं से भी पेंटिंग कर रहा हूँ। एक जब मैं एक बड़ी पैलेट नाइफ लेके आऊँगा तब आपको उसकी अलग से वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा कि वो कैसी है, बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गाइस हमारी पेंटिंग जो है वो इतनी कंप्लीट हो चुकी है। ओनली टाइगर रह गया है, ओनली टाइगर और ग्रास, बाकी सब कुछ हो गया है। आप देख सकते हो मैंने माउंटेन्स भी कर दिए हैं, ग्रास भी दोनों साइड बना दी है। फिलहाल अब मैं जो है माउंटेन्स में थोड़ी सी और हाइलाइटिंग करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। गाइज फिलहाल अभी तो मैं जो टाइगर की वेव्स हैं वो बनाऊंगा और टाइगर को पूरा बनाऊंगा, फिर ही आपको दिखाऊंगा। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइगर है उस पर मैंने ब्लैक कलर की जो आप देख सकते हैं ऐसे कर दिया है। अब जो है जो टाइगर में कलर होता है मैं इसमें वो भरूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने टाइगर भी पेंट कर लिया है और यहाँ आप देखोगे नीचे मैंने कुछ फ्लावर्स भी ड्रॉ किए हैं, क्लाउड्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।